ये सोलर इन्वर्टर है विदाउट बैटरी वाला। अभी हम देखेंगे ये विदाउट बैटरी डायरेक्ट सोलर से ये चल रहा है। अभी जो पीवी वन है वो सोलर वोल्टेज दिखा रहा है, एस पावर है वो सोलर का जितना वोल्टेज पावर कंजम्प्स हो रहा है वो दिखा रहा है, और एक ग्रीन पावर है, जी पावर है वो ग्रिड का पावर है, और अभी जो ग्रिड है वो ग्रिड ऑन दिखा रहा है। अभी हमारा लोड है, दो स्मार्ट फैन है, ये दो स्मार्ट फैन घूम रहे हैं, और ये दो ट्यूबलाइट है, ये टोटल तीन ट्यूबलाइट और दो फैन घूम रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये डायरेक्टली सोलर से पावर से ये कंटिन्यूसी पावर चल रहा है। अभी हम जैसे सोलर का पावर कम पड़ रहा है तो कितना ग्रिड से ले रहा, अब सोलर का हम पावर कंजप्शन बढ़ाएंगे। अभी जैसे सोलर का पावर कंजप्शन बढ़ाते हैं तो अभी ये 120 वाट ये सोलर का यूज़ कर रहा है, और ग्रिड पावर की अभी सफिशेंट सोलर पावर है तो ज़रूरत नहीं है, वो अभी उसने ग्रिड पावर जितनी ज़रूरत है वो ग्रिड पावर ले लिया। अभी जैसे पावर सफिशेंट पावर आ जाती है सोलर से तो फिर से ग्रिड पावर को जीरो कर देगा वो, और ये सोलर से कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। हमें कुछ भी डिस्टर्बेंस होने के बिना वो डायरेक्टली सोलर का पावर का यूज़ करते रहेंगे, और इस तरह से चलता रहता है। अभी हम कभी ऐसा भी होता है कहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी दिन में जैसे मेंटेनेंस में ग्रिड जाती है तो कभी दो घंटा तीन घंटा लाइट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फिर भी ये डायरेक्टली सोलर से हमें 230 पावर आउटपुट मिलती है। जैसे हम देख रहे हैं वो हम ग्रिड अभी है, अभी ग्रिड हमने ये बंद किया तो ये ग्रिड बंद कर दिया, फिर भी हमारा लोड तो ऐसे ही चल रहा है और ये ग्रिड ऑफ लिख के आ गया। अभी बैटरी भी नहीं है और डायरेक्टली सोलर का पावर कन्वर्ट होके हमको एसी पावर में कन्वर्ट करके देता है, और अभी ये सायरन बज रहा है। ये सायरन इसलिए बज रहा है कि हम सोलर से डायरेक्ट पावर यूज़ कर रहे हैं और ग्रिड भी नहीं है, तो हमें पता चले कि ग्रिड के बिना हम पावर को यूज़ कर रहे हैं, और फिर दो घंटे बाद एक घंटे के बाद फिर वापस ग्रिड पावर आ जाती है तो ये ग्रिड ऑन हो गई और ग्रीन का ऑप्शन भी आ गया और सायरन बंद हो गया। ये इस तरह से दोनों तरह के काम आता है, और जैसे शाम होती जाएगी जैसे सोलर पावर का जनरेशन कम होता जाएगा वो 74 है वो 70 होगा, 65 होगा, 60 होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा वो ग्रिड पावर को वो इनपुट होते जाएगा वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा शाम को 30 वॉट तक ये सोलर जनरेशन करेगा, तब तक सोलर का पावर यूज़ करेगा, बाद में वो ऑटोमेटिकली पूरा ग्रिड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और पूरी नाइट को ये पूरा डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जैसे सुबह होती है तो पूरा सोलर पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे दिन में जैसे ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होके रनिंग हो जाएगा वो।